हे गाइस, स्वागत है आपका आरएसटेक में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जियो को पछाड़ कर, जियो को टक्कर देने के लिए एक ऐसी कंपनी है जो कि उसकी राइवल आर्क है। इट मीन्स वही उसे टक्कर दे सकती है। आप सही सोच रहे हैं, एयरटेल। एयरटेल ने अपना प्लान लॉन्च कर दिया है 399 रुपीज़ का, जो कि ऑफिशियली अभी लॉन्च नहीं है, बट जो टेक है जो कि लॉन्च करेगा। और ये टोटली एज ए जो टेक मीडिया है उसकी तरफ से ये आ रहा है कि हाँ वो लॉन्च करेगा ही। और आप कह भी सकते हैं कि एयरटेल ने अपना प्लान लॉन्च कर दिया है, बिकॉज ये होगा क्योंकि उसे जियो के ऊपर काउंटर करना है तो ये करेगा। तो 399 रुपीज़ में आपको मिलेगा क्या? तो इस प्लान में आपको मिलेगा 70 दिनों की वैधता, 70 दिन की वैलिडिटी, और इस 70 दिन में प्रतिदिन आपको 1 GB का डाटा मिलेगा। इट मीन्स 70 GB डाटा प्लस सारे नेटवर्क्स पे कॉलिंग फ्री। तो जैसा कि रिलायंस जियो हो या फिर एयरटेल हो या फिर बाकी की टेलीकॉम कंपनियां हो, रिलायंस जियो को आप मोदी समझ लीजिए, बाकी के टेलीकॉम कंपनियों को आप बाकी की पार्टी समझ लीजिए अगर अपने इलेक्शन से जोड़ना चाहते हैं तो, बिकॉज ऑफर्स भी ऐसे ही आ रहे हैं। वो एक दे रहे हैं तो ये सारे मिल के दे रहे हैं। तो एयरटेल ने भी यहाँ पर अपना एक कांग्रेस की तरह ऊपर आकर एक नया ऑफर दिया है। रियली ऑफर अच्छा है बिकॉज कस्टमर्स इसके पास ज़्यादा हैं, तो ये हो सकता है उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए एक अच्छा मूव है। और इस ऑफर की कंपैरिजन करें तो देख सकते हैं कि इस ऑफर में आपको जैसे कि रिलायंस जियो का धनधनाधन ऑफर मिल रहा है, इसमें 309 में आपको 84 डेज़ की वैलिडिटी मिलती है, अनलिमिटेड लोकल स्टडी रोमिंग मिलता है, 84 GB डाटा मिलता है, 1 GB पर डे डाटा मिलता है अनलिमिटेड, और 128 KBPS जो स्पीड होती है वो रिड्यूस हो जाती है उसके बाद 1 GB के बाद, और सारे रिलायंस के जो जियो हैं वो सब फ्री हैं। अब इसमें एयरटेल में क्या है, 70 डेज़ का आपको टैरिफ है ऑफकोर्स, और जो नए यूज़र होंगे जैसे कि कोई नया एयरटेल का सिम लेता है तो उसको 499 पे करना पड़ेगा अप्रॉक्स 500, ओके, और 400 पे करना पड़ेगा पुराने यूज़र्स को। तो इसमें अनलिमिटेड आपको आउटगोइंग और रोमिंग सब इंक्लूड है। अभी ऐसा नहीं है कि जैसे कि अनलिमिटेड जो कॉल्स हैं वो सब सारे जगह पे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इंक्लूडिंग आउटगोइंग ऑन रोमिंग। रोमिंग में जैसे कि आप अगर हैं और उस समय अगर आप आउटगोइंग कॉल करते हैं तब आपको पैसे देने पड़ेंगे, बट अगर आप अपने नेटिव प्लेस पे हैं, लोकल एरिया में हैं, वहाँ से आप आउटगोइंग करते हैं तो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। डाटा चार्जेबल एट ₹4,000 पर GB, 1 GB पर डे आफ्टर, जैसे कि 1 GB क्रॉस कर गए तो जो केसेस बन रहे हैं इस पे, अब ये ऑफिशियली लीक्ड नहीं है, टेक के थ्रू जो टेक मीडिया है जो एकदम एक रसूख रखती है आप कह सकते हैं उनकी तरफ से है, तो जो 70 GB डाटा देंगे उसके बावजूद अगर 1 GB डाटा के बाद डाटा चार्जेबल एट 4000 पर GB, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को खटक सकती है। और सिर्फ ये सिर्फ 4G जो हैंडसेट है उसके लिए है, कोई 3G वाले यूजर्स इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब जियो का बेनिफिट इस पे क्या है, 20% मोर वैलिडिटी है, मोर वॉइस है, ऑफकोर्स आप आउटगोइंग से भी कॉल कर सकते हैं, 20% मोर डाटा है, 100% फ्री एप्स हैं, 3G फोन है वो भी इसका बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं जियो का जो वाईफाई राउटर है उसके थ्रू। इट मीन्स जो वाईफाई आता है इसका उसके थ्रू आप 2G 3G फोन पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स जियो के हैं, बट फिर भी एयरटेल की तरफ से एक मूव है। आप इस चीज़ को जो एयरटेल के कस्टमर है उसको पॉजिटिव वे में लें या नेगेटिव वे में, ये उनकी डिसीजन है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको एयरटेल के बारे में ये ऑफर उसकी कैसे लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे टेक न्यूज़ सबसे पहले आते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।